नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 वर्सेस Xiaomi Poco X3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 में 6.32 इंच जबकि Poco X3 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 में 2.91 इंच जबकि Poco X3 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 में 0.31 इंच जबकि Poco X3 में 0.4 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Realme 8 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 में 177 ग्राम जबकि Poco X3 में 225 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Realme 8 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 में सुपर AMOLED जबकि Poco X3 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 में 6.4 इंचेस जबकि Poco X3 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 में 83.32% जबकि Poco X3 में 85.16% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Poco X3 में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Poco X3 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco X3 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco X3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 में Mali G76 MC4 जबकि Poco X3 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 में MediaTek Helio G95 और Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8 में अप टू 256GB जबकि Poco X3 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 8 में Android V11 जबकि Poco X3 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Realme 8 में 5000 mAh जबकि Poco X3 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो Realme 8 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको X3 की, तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,995 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में Realme 8 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको X3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi 9 है, जो कि 9,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Xiaomi Poco C3 है, जो कि 8,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।